वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सोच रहे ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहा? तो आज हम आपको बता दे रहे कि आज हम बनाने जा रहे रस कदम। तो आइए हम बनाने के स्टार्ट कर देते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो रस कदम की प्रोसेस को देखने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो मैं ये कढ़ाई पे 2 कप दूध डालूंगी। से थोड़ा ज्यादा शक्कर, ये इसी भी शक्कर है और इसमें मैं एक इलायची भी पीस लिए थे। अब ये दोनों को मैं धीरे धीरे चलाते रहूंगी, ऐसा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ये मीडियम फ्लेम में करना है। ये देखिए दूध थोड़ा सा ठीक हो चुका है। अब इसी टाइम में मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं हो तो घर में जो दूध का मलाई आता है वो 1 चम्मच आप डाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये 2 कप दूध 1 कप हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और ये 1 कप दूध को मैं ठंडा कर लेती हूँ। अब ये दूध ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करते हैं मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैं 2 कप मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ। इसको लो फ्लेम में इसका धीरे धीरे मिलाना है, नहीं तो ये लम्स पड़ जाएगा। फ्लेम को कभी हाई नहीं करना। गैस को हाई फ्लेम कर देते हो तो हमारा ये रसमलाई बिल्कुल खराब हो जाएगा, इसीलिए इसको लो फ्लेम में ही करना है। ये देखिए कैसा और भी ठीक हो रहा है। ये इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। ठीक हो चुका है। अब इसी टाइम में मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको फैला देती हूँ ठंडा होने के लिए। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको छोड़ दिए थे ठंडा होने के लिए, ये पूरी तरह ठंडा हो चुका है। अब इसका हम रस कदम बनाएंगे। मैं रस कदम की डो को इस प्लेट में मैं निकाल ली हूँ और ये जो छोटे छोटे रसगुल्ला आप देख रहे हो ना, इसको मैं पहले से घर पे बना लिए। अब मैं हाथ में थोड़ा सा घी डाल के हाथ को थोड़ा चिकना कर लेती हूँ। अब इसको हम टेढ़े बनाएंगे। इसके अंदर हम ये छोटे रसगुल्ले इसके अंदर भर देंगे। अब इसको गोल कर देंगे। अब दूसरे के अंदर हम चेरी डाल देंगे।
अब ये लड्डू को मैं डेसिकेटेड नारियल में डिप करूँगी इसको। ऐसा करके सारे रस कदम को मैं डीप कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा सारे के सारे रस कदम बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप घर पे इसको जरूर ट्राई कीजिए, आप बाजार से भी ये अच्छा बनेगा। अब बहुत ही टेस्टी है ये वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए पॉपी शाही किचन।